एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। पन्ना जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें घटित हो रही थी। पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा एस थोटा द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना को गंभीरता से लिया जाकर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपियों की पतारसी एवं चोरी गई मोटरसाइकिलों की बरामदगी हेतु थाना प्रभारी अमानगंज महेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी ब्रजपुर भानु प्रताप सिंह चौहान एवं पुलिस साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया। उक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह व अनुविभाग अधिकारी पुलिस कन्नौर ग्लैडविन एडवोर्ट कार के मार्गदर्शन में चोरी की गई 51 मोटरसाइकिल को बरामद किया जाकर मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एनटीवी टाइम के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मैं पुलिस वालों के लिए भी अपील है, ये पत्रकारों के लिए भी अपील है और जनता के लिए भी अपील है। मुझे लगता है कि पत्रकार और पुलिस जो है ये दोनों इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं। आपका काम है कुछ खबरें, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही की खबरें आती हैं। आपका काम है खबरों को बाहर पहुंचाना। एज पुलिस हमको इस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए कि किस कोई खबर हमारे बारे में नेगेटिव है या कोई हमारे बारे में पॉजिटिव है। अगर हमारी कुछ कमी है तो वो उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम पर्सनली नहीं ले सकते। तो यही प्रयास जो है हमारी तरफ से रहेगा। और एसपी साहब, सम्मानित भदौरिया साहब के ऊपर भी कुछ बुंदेली चुगली में इस तरह का बीते दिनों एक चला है सोशल मीडिया पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं सर? 5 लाख रुपए की बुंदेली चुगली में कोई बड़कू तिवारी है राम प्रकाश, उन्होंने डीआईजी साहब के यहाँ कहा है, आपने देखा हो वो, उस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए, क्या कहना है? काम तो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दब तो हम लोगों ने लगा ही नहीं वो कवर। महेंद्र के बारे में तो ये है कि महेंद्र सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स है हमारे पास पन्ना में, ये मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट होगा तो मेरे पास है, मेरे पास जिले में किसी के नाम से कोई कंप्लेंट नहीं आया है महेंद्र के पास, ना ही अभी मेरे पास कोई जांच के लिए आया है। अगर जांच के लिए मेरे पास आता है तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।